जैसे मैं सुनील जांगिड़, हाल ही में मेरा सिलेक्शन रेलवे एसएससी और जूनियर असिस्टेंट में हुआ है ना। तो जैसे आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं, आप हेडलाइन देख रहे होंगे, रेलवे में चयन कैसे होगा। अपन कुछ बातें करते हैं आज कि रेलवे में चयन किस प्रकार से होगा, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो अपन को ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न होंगे कि क्या पढ़ा जाए, कहाँ से पढ़ा जाए, किस प्रकार पढ़ा जाए, ताकि हमारा भी रेलवे में क्या हो जाए, चयन हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो जो मेन मेन आपका पार्ट है, जैसे एक तो अपन मैथ की बात करते हैं, एक रीजनिंग की, और इसके अलावा जीके या जीएस का जो पार्ट है इसकी अपन बात करते हैं, है ना। क्योंकि ये तीनों चारों पार्ट ये हैं जो लगभग कॉमन रहता है और रेलवे के सारी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे आपका एनटीपीसी हो, चाहे असिस्टेंट लोको पायलट या टेक्नीशियन हो, इन सब में ये पार्ट पूछा जाता है। तो कहाँ से पढ़ना है, अपन मुख्य बात पे आते हैं कि कहाँ से पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है। तो देखो अपन बात करें सबसे पहले चारों चीज़ों की, तो मैथ, रीजनिंग, जीके और जीएस, सबसे पहले आपने जहाँ से, जिस टीचर से या जहाँ जिस कोचिंग से पढ़ा है, आपके पास सब सब्जेक्ट के नोट्स होंगे, सबसे पहले तो वो नोट्स ही आपको पढ़ने हैं, जितने चारों विषयों के। इसमें अपन आगे और बात करें, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, और इसके अलावा आपका करंट अफेयर का पार्ट भी एक शामिल है, करंट अफेयर का पार्ट। तो सबसे पहले आपके पास जो नोट्स है, जिस टीचर से आप पढ़े हो बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ाया, जिस कोचिंग में पढ़े हो बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ाया, वो सबसे पहले आप पूरा कंप्लीट अच्छी तरीके से आप तैयार कर लें, ठीक है। पहले वो तो आपको तैयार होना ही चाहिए। उसके बाद अपन बात करें तो देखो आप हैं इन पिछले जो सालों में पेपर हुए हैं, जैसे अभी 2019 में, 18 में, जितने भी रेलवे के जो पेपर हुए हैं, देखो इनको जो कंपनी अभी संस्था कंडक्ट करवा रही है रेलवे का एग्जाम, अभी तक जो टीसीएस करवा रही थी वही सारे पेपर, तो सारे जैसे आपके डी ग्रुप है, टेक्नीशियन का है या एनटीपीसी का है, अगर टीसीएस लेती है या कोई भी संस्था लेती है, तो प्रश्नों की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, थोड़ा बहुत लगभग लेवल है, प्रश्न है, जैसे कोई डी ग्रुप में पूछा हुआ वो टेक्नीशियन में आ जाता है, टेक्नीशियन वाला डी में आ जाता है, दोनों में पूछा हुआ वो एनटीपीसी में पूछ लिया जाता है। तो आप प्रश्नों की संख्या है वो कम ज़्यादा हो सकती है, बाकी लेवल कोई ज़्यादा चेंज नहीं होता। तो आपको क्या करना है कि पिछले साल जितने भी पेपर हुए हैं, आप कम से कम 10-15 पेपर तो जरूर स्टार्टिंग में ही करें, 10-15 पुराने जो पेपर हैं वो आप शुरुआत में ही करें। अब आप कहोगे सर पेपर करने से क्या होगा 10-15 से, तो आप 10-15 पेपर हैं, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो उसके 10-15 पेपर सोल्व करने से आपको ये पता चलेगा कि ये मैथ है। देखो ये मैथ सब एग्जाम में पूछी जाती है, एसएससी में भी आती है, रेलवे में भी आती है, बैंक में भी आती है, पटवार में भी आती है, पुलिस में भी आती है, टीचर में भी आती है, ये सारी चीज़ें सब एग्जाम में आती हैं। लेकिन आपको रेलवे के पेपर करने से ये पता चलेगा कि अपनी एग्जाम में किस प्रकार का प्रश्न आता है या किस लेवल का आता है। आपने प्रतिशत पढ़ तो लिया, लाभ आनी पढ़ तो ली, लेकिन अपनी एग्जाम में प्रश्न है वो किस प्रकार से पूछा गया और उस प्रश्न का लेवल क्या था, ये तभी पता चलेगा, ये कोई नहीं बता सकता आपको। हाँ ठीक है, टीचर ने बहुत अच्छा आपके लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाया, लेकिन आप जब तक खुद पेपर नहीं करोगे तब तक उस चीज़ को अच्छे से आप समझ नहीं सकते। तो आपको पेपर करना है, पर करने से ही आपको लेवल का पता चलेगा। इसी प्रकार रीजनिंग है, इसी प्रकार जीके या जीएस है। दूसरा रीजनिंग भी आप उसमें किस प्रकार के कौन से चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं आपके रीजनिंग में भी देख लेना, जैसे पीछे के जो एग्जाम है उनमें सीरीज वगैरह का जो पार्ट है वो ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है, तो उन पे आप ज़्यादा ध्यान दें। जो प्रश्न जिस चैप्टर के ज़्यादा पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों पे आप ज़्यादा, उस चैप्टर पे आप ज़्यादा फोकस करें, उन्हीं प्रश्नों पे ज़्यादा फोकस करें। दूसरा एक बात मैं जीके या जीएस के लिए आपको कहना चाहूँगा, देखो जीके में आपका जो पार्ट है, जैसे इसमें आपका पॉलिटिकल साइंस का पार्ट भी है, हिस्ट्री का भी है, ज्योग्राफी का भी है, या इकोनॉमिक्स का भी है, अन्य पार्ट भी बहुत सारे हैं, ठीक है, इनके भी प्रश्न आते हैं, इसको स्टैटिक जीके बोलते हैं। इसके अलावा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो आपका है करंट अफेयर, ठीक है। देखो पिछले अभी जो 2018-19 में जितने भी एग्जाम हुए हैं इनमें आपका करंट अफेयर का जो पार्ट है, जैसे टोटल जितने भी प्रश्न आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे गए हैं वो किसके पूछे गए हैं, करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोगों से
ये मैं कहना चाहूँगा कि आप करंट अफेयर को भी इस जीके के बराबर महत्व दें, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि मान लो टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं, तो 25 में से 7-8 क्वेश्चन हैं वो आपको करंट अफेयर के ही मिलेंगे। बाकी बच गए उनमें आपका सारा पार्ट जोड़ दो, पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो बाकी के तो एक ही दो दो प्रश्न ही आते हैं। तो आपको इस प्रकार से ये चीज़ें पढ़नी है। इतना अगर आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, कंप्लीट आपको पढ़ने के लिए एक तो आपके जो नोट्स हैं वो आप नोट्स पढ़ लें, दूसरा पुराने जितने भी पेपर हैं, जितने भी पेपर हुए हैं 2017-18 में, चाहे वो ग्रुप डी के हुए हैं, चाहे एनटीपीसी के हुए हैं, या जो आपका टेक्नीशियन के हुए हैं, जितने भी पेपर हुए हैं, आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हो कौन सी भी एग्ज़ाम के लिए, तो आप उन सारे पेपरों को सोल्व कर दें, सारे कंप्लीट पेपरों को आप सोल्व कर दें। ठीक है, इतना तो आप ज़रूर ज़रूर पढ़ें। बाकी इसके अलावा देखो, आजकल क्या है, एक बात महत्वपूर्ण है ध्यान देने होंगे कि आजकल जो एग्ज़ाम होती है वो कैसी होती है, ऑनलाइन होती है। आपका ऑनलाइन पेपर होता है तो एक सबसे बड़ी जो समस्या फेस करने को अपन को मिलती है वो ये मिलती है कि आपने पढ़ तो लिया मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस बहुत अच्छे से आपने साल भर पढ़ तो लिया, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में जितना करना चाहिए उतना आप नहीं कर पाते हो। तो उसका एक मेन कारण ये रहता है कि आजकल ऑनलाइन एग्ज़ाम है, टाइम फिक्स रहता है कि 1 घंटे में आपको इतने प्रश्न करने ही है, 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं होता, तुरंत जितना टाइम है कंप्लीट हुआ और पेपर आपका ऑफ हो जाता है। तो आपको इसके लिए क्या करना है कि आपको ऑनलाइन पेपर भी देने हैं। आप स्टार्टिंग में ऑफलाइन पेपर देते रहो, कोई दिक्कत नहीं, आप हर संडे को जितने भी एक वीक में आप 1-2 पेपर कर सकते हो, आपको पेपर करते ही रहना है, शुरुआत से ही करते रहना है। और ऑनलाइन पेपर भी देना है, मान लो आपके एग्जाम के 1-1.5 महीना बचा है ना, तो आप कम से कम है वो 15-20 ऑनलाइन पेपर जरूर दें। 15-20 ऑनलाइन पेपर आप चाहे खरीद करके, अपने पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से, किसी भी प्रकार से आप 15-20 ऑनलाइन पेपर जरूर दें। आप कहो सर इन पेपर देने से 15-20 से क्या होगा, तो देखो 15-20 पेपर देने से क्या होगा कि एक तो आपके कंप्यूटर पे किस प्रकार पेपर देना होता है, कैसे वो चालू होगा, कैसे सबमिट होगा, कैसे क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो एक तो आपका पूरा शेड्यूल सेट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, टाइम मैनेज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहली बार में आप देखना, शुरुआत में 1 घंटे, अगर 1 घंटे का पेपर है तो 1 घंटे में आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। धीरे धीरे 2-3 जैसे जैसे आप पेपर देते जाओगे वैसे वैसे है, लास्ट तक आओगे तो आपका पेपर है वो उचित समय पे कंप्लीट होने लग जाएगा। तो आपको मोस्ट ध्यान ये रखना है कि आपके पास जो नोट्स हैं वो नोट्स आपको पढ़ने ही हैं, करंट अफेयर आपको अच्छे से कवर करना है, और उसके अलावा पुराने जितने भी पेपर हुए हैं आप बाकी चीज़ों को बाद में पढ़ें, पुराने जितने भी पेपर हुए हैं सारे पेपरों को आप रूटीन बना लेंगे, डेली 2 करने हैं 3, आप पुराने कंप्लीट पेपरों को करें, और उसके बाद आप ऑनलाइन भी 15-20 पेपर, एग्जाम टाइम आ जाए उससे पहले 15-20 पेपर जरूर दें, और इसका फायदा भी आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। क्योंकि अगर आपको 10 मिनट का भी फायदा होता है तो एग्जाम में तो 10 मिनट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है, इतनी चीज़ें पढ़ें आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास इनके नोट्स ही नहीं होते, कहीं ऑनलाइन पढ़ लिया, जैसे पढ़ने का तरीका क्या होता है, कहीं ऑनलाइन पढ़ लिया, कहीं ऑफलाइन पढ़ लिया, एक ज्योग्राफी है किसी के भी, मतलब ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, या मैथ्स है, किसी के नोट्स नहीं होते उनके पास, है ना, आधा किसी रजिस्टर में नोट कर लिया, आधा कहीं से भी पढ़ लिया, आधा कहीं से भी पढ़ लिया, ऐसे ना करें आप बिल्कुल भी। आपके पास कंप्लीट नोट्स होने ही चाहिए, ये पहली शर्त है। मैंने कई विद्यार्थियों को देखा है जिनके पास कंप्लीट नोट्स होते ही नहीं है पढ़ने के लिए, और फिर भी वो तैयारी कर रहे होते हैं लगातार, पता नहीं वो किससे पढ़ रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, कुछ ही उनकी खुद ही समझ नहीं आता कि कर क्या रहे हैं। तो आपके पास कंप्लीट नोट्स होने ही चाहिए, पहली शर्त है ये। उसके बाद आपको पुराने पेपर करने हैं, और आपको हर संडे को पेपर देना है, और ऑनलाइन पेपर भी करना है। इतना काम आप ज़रूर करें, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। ठीक है, जय श्री राम। अपन अगले वीडियो में फिर कुछ बातों के बारे में बात करेंगे, कुछ मुद्दों पे बात करेंगे कि जल्दी कैसे पढ़ा जाए, याद कैसा रखा जाए, किस प्रकार से रखा जाए। ठीक है, धन्यवाद। लेकिन ये गोल अचीव होना चाहिए, डेट पहला से 1.5 बजे तक, दूसरा स्टेप 3 बजे तक, फिर 4:30-5 बजे तक, फिर रात की 2:11 बजे तक।
देखने के बाद फिर बाद में रोड टाइट हो गया। वीणा पाणी की अनुकंपा से संकल्प करते हैं कि कठिन परिश्रम उत्कृष्ट लगन समन्वय व पूर्ण आत्मविश्वास के योग से हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं तथा भविष्य में भी करते रहेंगे और जो कुछ करनीय है उसके लिए नहीं शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। जय श्री राम। जय श्री राम। यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अंधकार जरूर ही संघर्ष का भर देता है। सबसे पहले मैं सुभाष जी का और उनकी पूरी इंस्टीट्यूट का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। आपको भी यही आवश्यकता है, मेहनत, विश्वास नहीं टूटने दें, चाहे गुरुजन हो, चाहे अपने माता पिता हो, चाहे मित्र हो, साथी हो, उसका विश्वास नहीं टूटने दें। मेहनत करें, लगन के साथ में करें, एकाग्र चित्त होकर के एक लक्ष्य लेकर के चलेंगे तो उस लक्ष्य से आपको पाने से कोई रोक नहीं सकता। आज के इस बहुत ही शानदार कार्यक्रम में उपस्थित राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री महोदय माननीय श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, राजस्थान पत्रिका के श्रीमान विनोद जी चौहान साहब और ये आपकी श्रीराम कोचिंग का अहोभाग्य सौभाग्य है। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा, आपके संस्थान में अभी आरएस के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, रिट के लेवल फर्स्ट सेकंड के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, पटवार भर्ती के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, लोको पायलट सीबीटी की तैयारी कर रहे हैं, पूरे मंत्री महोदय पूरा लगभग राजस्थान का विद्यार्थी आपके यहाँ पर है और दूसरे शब्दों में ये कहूंगा कि आपके पास कुछ दूसरे राज्यों से भी विद्यार्थी हैं और ये विद्यार्थी आसपास में जब फोटो देख रहे हैं आप दीवारों पर, जब इनकी मंजिल इनको मिलती है तो हमें ऐसा लगता है कि हम एक सही रास्ते पर चल रहे हैं, सही मार्गदर्शन दे रहे हैं, क्योंकि मेरी टीम लगभग सारी वही टीम है जो जिस एग्जाम की क्लासेस वो ले रहे हैं उस एग्जाम के नजदीक एकदम नजदीक तक जाकर आए हुए, क्योंकि बिना योग्य टीम के कोई भी उस मंजिल तक पहुंचा नहीं सकते। और अब मैं ये कहना चाहूंगा कि सीकर एक एजुकेशन हब के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर रहा है, काफी छोटे बड़े इंस्टीट्यूट और आ रहे हैं और काफी मेरे साथी यहाँ पर अपने कार्य को बेहतरीन अंजाम दे रहे हैं। और मैं ये कहूंगा कि जो विद्यार्थी आपके सामने बैठे हैं, आप एक एक की शक्ल आप देख सकते हैं, ये सब आपके शिक्षा के नुमाइंदे हैं और अपने आप जीवन को बेहतर बनाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं और इसमें हमारी टीम श्रीराम टीम पूरी अपने तन मन धन से समर्पित है, प्रबल रूप से प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। मैं राजस्थान पत्रिका परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक कार्यक्रम को यहां संपन्न करने का हमें मौका दिया और राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री महोदय श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब को भी मैं बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि हमें हमारे विद्यार्थियों को आपने मार्गदर्शन दिया, जो चुनिंदा टिप्स दी हैं हम उन टिप्स का अनवरत पालन करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्रीराम।
आज का ये बहुत बड़ी सफलता का दिन आरएस प्रॉपर। थैंक यू बेस्ट ऑफ लक, शानदार पाली और लोहड़ी से शुरू करना चाहिए। ये पकड़ा उस पानी में डाला जबरदस्त, उसका सांस घुटने लगा, वो ऊपर उठना चाह रहा था, गुरु ने वो जोर से दबा दिया, उसने पूरा जोर लगा दिया और जब एक दो मिनट तक उसको दबाए रखा और बिल्कुल जब लगा कि अब भी दबाए रखा तो ये मर जाएगा, तब उसको छोड़ा। वो जब बाहर वापिस आया तो उसने कहा गुरु जी ये आपने क्या किया, मैं तो क्या पी रहा था और आप तो उल्टा मेरे को मारने चले। तो गुरु ने कहा कि बिल्कुल लास्ट में आपको कैसा महसूस हो रहा था, जब एक एक सांस के लिए मेरा ये हो रहा था कि पूरी जान लगा लूं किसी तरह से बाहर निकल जाए। तो उसने कहा कि वो जो फीलिंग आपको उस वक्त हो रही थी, वो फीलिंग अगर आप अपने किसी भी चीज को जो आप अचीव करना चाहते हो, वो फीलिंग, वो एफर्ट, वो आप उसमें लगाओगे, वो शिद्दत है। और वो शिद्दत अगर आप पैदा कर लेते हो अपने लक्ष्य के प्रति, तो मैं नहीं समझता कि लक्ष्य आपसे, आप क्यों नहीं लक्ष्य आपसे। विनोद जी चौहान का भी ये विजय स्तंभ है, ये आप सबके भी आप पे मैं ले रहा हूँ, आपकी विजय के लिए।